चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मुंबई की खबरों में। आइए देखते हैं मुंबई में क्या कुछ हो रहा है खास। गर्व होता है कि मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी जैसे जगह पे इतने सारे आर्टिस्ट को एक मौका मिल रहा है अपने हुनर को दिखाने। और ये ना सिर्फ मुंबई की ताकत है, मैं मानती हूँ कि महाराष्ट्र की शान है। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विभिन्न विभिन्न क्षेत्र से आए, देखें, प्रेरित हो। और कहीं ना कहीं भारत को ये गर्व होना चाहिए कि हमारे पास सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट और स्कल्पचर। मुझे एक्चुअली बचपन से ही ट्रैवल करने का शौक है, तो इसीलिए मुझे इंस्पायर ये कॉन्सेप्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, और इसीलिए मैंने इसको कैनवस पे इलस्ट्रेट किया। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर आप एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप विंडो से बाहर देखते हो, तो पूरा अर्थ का सर्विस जो है वो एक मतलब एक एम्बॉडीमेंट ऑफ वन पार्क हो जाता है। तो प्राइमरीली मैं अपने वर्क से वही कहना चाहती हूँ कि द हायर ऑल्टीट्यूड यू गो, द मोर द वर्ल्ड द अर्थ सर्विस कैन गेट सो इवन एंड मोर। हम चाहते हैं कि ये अभी जब यंग है तभी उनका नाम आ गया है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि इनका कॉन्सेप्ट है, तो हमने ये एविएशन मैप्स यहाँ पे लगाए जो कभी किसी को देखने नहीं मिलते। तो जैसे अपने हाईवेज होते हैं, हाईवे के मैप्स होते हैं रोड के, ये हवा में भी मैप्स यूज किए जाते हैं। तो ये इंस्पिरेशन रहा है ईशा के लिए, तो ये हमने पूरा जो शो है वो उसी थीम से हमने क्यूरेट किया। मुझे लगता है ये यंग आर्टिस्ट को प्रमोट करना बहुत ही ज़रूरी है। जिनके पास पैसे हैं वो बड़े बड़े पैमाने पे प्रमोशन कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे गांव से आर्टिस्ट आते हैं उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना जहांगीर आर्ट गैलरी में, ये बिल्कुल प्रशंसाजनक है। हम मानते हैं कि आते हुए दिन में पूरे देश के आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिले। बहुत सारे आर्टिस्ट सेंटर्स और हब्स होने वाले हैं पूरे देश में, ये मोदी जी की भी योजना है, और हम चाहेंगे कि ये कल्चर आर्ट स्कल्पचर्स सबको प्रमोट किया जाए मेक इन इंडिया के निमित्त, क्योंकि ये सही मायने में मेक इन इंडिया का टैलेंट है।